Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online support program by AppSex Fortroad. This is our fourth week and we are discussing chapter number one, which is programming techniques. The objectives of our today's lesson will be, in this video lecture we will discuss the remaining algorithm problems, which are: the first will be find exponent of the given number, the second one generate table of a given number, and the last one will be find the factorial of a given number. Problem number 7, find the exponent of the given number. The planning for the solution of this problem: first of all, we need two numbers, one for the base and second for the exponent, means the power. And in result, we want the answer of the exponent of that given number. Like if you are going to discuss 2 raised to power 3, means 8. In process, we will do multiplication, mean we will find out the product. Let's discuss the problem before we start solving it. Here is the example picture in which 2 raised to power 3 is written. 2 is considered as base and 3 is considered as power, which is also known as exponent. So if we solve this, we will multiply the base 3 times. हम जो है वो बेस में जो डिजिट लिखा हुआ है उसको हम एक्सपोनेंट की वजह से, जितनी बार हमारे पास जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है, हम उतनी ही मरतबा बेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे? लाइक 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2. हम बेस का डिजिट हमारे पास 2 है तो हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज द पावर ऑफ 2 इज 3, विच इज इक्वल टू 8. लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल. 4 की पावर 2. जी, तो 4 की पावर 2 अगर हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आ सकता है? थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव करें. जी, तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है. जी, 4 की पावर 2 मींस हम 4 जो है हमारे पास बेस है, 2 जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है, तो मतलब हम 4 को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 4 × 4 इज इक्वल टू 16. लेट्स डिस्कस अनदर एग्जाम्पल. 5 raised to power 4. जी, इसका सोल्यूशन क्या होगा? हरी अप. ओके जी, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 5 raised to power 4 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 × 5. हमने 4 मरतबा बेस डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा, विच इज इक्वल टू 625. तो ये हमारे पास जो है सिनेरियो है अपनी इस प्रॉब्लम 7 का. तो आए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको एल्गोरिथम की फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप हमारे पास सारों में सेम आता है. हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है, हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल्स को क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं. तो हमारे पास बेस डिजिट के लिए जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे सपोज किया वो है बेस. इसी तरह एक्सपोनेंट के डिजिट के लिए मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल स्पेसिफाई किया उसका नाम मैंने रखा है एक्स एंड पी. एंड सेम इन द केस, ऑब्वियसली आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो आप उसका आंसर किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर सेव कराओगे. तो मैंने उसके लिए प्रोडक्ट के लिए मैंने एक प्रोडक्ट का वेरिएबल लिया और उसमें इक्वल टू वैल्यू कर दिया 1. मैंने इसकी वैल्यू 1 क्यों की है? बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, विच मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई 1 विद एनी डिजिट, दैट डिजिट विल रिमेन सेम. उस डिजिट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 7 ही आएगा. इसी तरीके से आप 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर 1000 ही आएगा. सो हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, विच मीन्स कि आप इसको जिस भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो डिजिट सेम ही रहेगा, उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा. जी, स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हम अब प्रोडक्ट के अंदर, चूंकि हमने जितनी भी बार अपने बेस को अपने बेस से मल्टीप्लाई करना है, हम उसको अपने वेरिएबल में सेव कराते जाएंगे और
prod के जो वेरिएबल इसको हम साथ साथ अपडेट करेंगे। तो prod is equal to prod into base, like suppose हमने base जो नंबर लिया था वो 2 लिया था, तो 2 into हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 into 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 ही रहेगा, कोई भी उसके अंदर हमारे पास जो है वो चेंज नहीं आएगा जी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है PROD is equal to left side पे, इसको हम एज इट इज यहाँ पे वेरिएबल नेम ले रहे हैं, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट का जो प्रोड का वेरिएबल आ रहा है ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम एज अ वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके हमारे पास करंट वैल्यू क्या है, 1 है, और बेस की वैल्यू वो होगी जो आप इंटर करोगे, लेट्स सपोज आपने अगर 2 इंटर किया है तो आपके पास 2 इंटू 1 का आंसर आ जाएगा, तो ये प्रोड की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो जो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी हर दफा वही वैल्यू सेव की जाएगी, पुरानी वैल्यू को यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। स्टेप 3 के अंदर हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। ऑब्वियसली आपने एक्सपोनेंट की वैल्यू के अंदर से उसमें से डिक्रीमेंट करना है, लेट्स सपोज अगर आपके पास वैल्यू थी 2 की पावर 3 तो आपने एक बार उसको मल्टीप्लाई कर लिया, पीछे आपके पास क्या रह गया, 2 टाइम्स जो है वो वैल्यू रह गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, हर स्टेप के ऊपर डिक्रीमेंट करेंगे। इसको आप यूं भी ले सकते हैं x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, विच मीन्स सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। स्टेप 4 के अंदर आपने कंडीशन चेक करनी है, ऑब्वियसली जब आप अपनी पावर में से एक डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने चेक करना है कि कहीं मेरी जो है वो मैं 0 के साथ तो आप मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहा, तो आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वेरिएबल जो है दैट इज दैट वेरिएबल इज सॉरी यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, लेट्स करेक्ट इट, इज दिस एक्स शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 जी। ओके, डिक्रीमेंट में बाद आपने चेक करने है कंडीशन कि आपने जब डिक्रीमेंट किया है तो कहीं आप 1 से बिलो तो नहीं चले गए, क्योंकि हमने अगर लेट्स सपोज आपकी पावर थी 2 की पावर 3 तो आपने 3 के बाद 2 आना है, 2 के बाद 1 आना है, 1 के बाद 0 आ जाएगा, तो हमने 0 तक नहीं मल्टीप्लाई करना, हमने 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां पर चेक कर रहे हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, अगर ये इक्वल टू 1 है या 1 से ग्रेटर है तो क्या करना है, देन जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये तब चलेगी अगर ये हमारे पास कंडीशन जो गिवन कंडीशन है, ये जो हमारे पास गिवन कंडीशन है अगर ये ट्रू आंसर देती है तो फिर हमारे पास देन स्टेटमेंट जो है ये रन होगी। हम ये पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ये कैसे काम करता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो हमारे पास देन की स्टेटमेंट रन होगी, और देन में क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप 2, हम यहां से वापस जाएंगे स्टेप 2 के ऊपर और दोबारा ये काम जो है ये सर्कल में चलेगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, x जो है वो 1 से बराबर नहीं आता या 1 से छोटा हो जाता है, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब फॉल्स होगी तो हमारे पास देन की जो स्टेटमेंट है ये रन नहीं होगी, बल्कि कंट्रोल जो है वो स्टेप 5 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टेप 5 हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 5 पे स्टेप शिफ्ट होगा, मतलब आपने क्या कर लिया, आपने अपने डिजिट को डिजायर्ड टाइम्स जो है वो अपने क्या कर लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया है, और यहां पे अब आप आउटपुट शो करवा रहे हो। हमारे पास आउटपुट कहां पे सेव हो रही थी, हमारे पास आउटपुट सेव हो रही थी प्रॉड के वेरिएबल के अंदर, हर दफा आप मल्टीप्लाई करके किसको अपडेट कर रहे थे, आप अपडेट कर रहे थे प्रॉड के वेरिएबल को, यहाँ पे हम अपडेट किए जा रहे थे, ठीक है जी। और ये तब तक अपडेट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल जो है वो स्टेप 4 से यहाँ पे स्टेप 2 पे नहीं जाएगा, बल्कि स्टेप 4 से कंडीशन फॉल्स होने पे स्टेप 5 के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करेगा तो यहाँ पे हम आउटपुट शो करवा रहे हैं प्रॉड की, और जैसे ही आप आउटपुट शो करवा लोगे उसके बाद आपका एकदम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रॉब्लम नंबर 11, प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपने उस नंबर का जो है वो टेबल जनरेट करना होगा। मोस्टली अगर आपको कहा जाए कि 2 का टेबल जरा सुनाएं, तो हम 2 का टेबल जो है वो 1 से लेकर 10 तक सुनाते हैं, हमारा एक माइंड सेट है कि टेबल जो है वो 1 से लेकर 10 तक, हालांकि आप टेबल 2 का टेबल जो है वो आप 10 तक क्या 20 तक भी सुना सकते हैं, 30 तक भी सुना सकते हैं, 50 तक। तो हमारे पास एक जनरल जो कंसेप्ट चलता है वो टेबल होता है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो हम 1 से लेकर 10 तक उस नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज अगर 2 का टेबल कहा जाए तो हम कहते हैं 2 1 टाइम्स इक्वल टू 2, टू 2 टाइम्स इक्वल टू 4, टू 3 टाइम्स इक्वल टू 6, टू 4 टाइम्स 8, 5 टाइम्स
6 टाइम्स 12, 7 टाइम 14, 8 टाइम 16, 9 टाइम 18 एंड 10 टाइम 20. तो मीन हम उसी एक डिजिट को वन बाय वन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हम लोग मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो हम अगेन एंड अगेन क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. तो हमारे पास प्लानिंग और सॉल्यूशन में क्या आएगा जी, ऑब्वियसली हमको एक नंबर चाहिए, हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमने जो टेबल जनरेट करना है वो सिर्फ 10 तक, हमने 10 टाइम्स हमें उसको मल्टीप्लाई करवाना है. आउटपुट में हमें क्या चाहिए, जनरेट द टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर विच यू हैव एंटर्ड. प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं. मतलब आप हर स्टेप के ऊपर इंक्रीमेंट भी करते हैं और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, आपने लास्ट को अगर इंटर किया है, डिजिट जो है वो 7 इंटर किया है, तो 7 की आउटपुट क्या आ रही है, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28. तो यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, जबकि जो सेकेंड रो है हमारे पास ये चेंज होती जा रही है. पहले 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4. मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम के अंदर हर आइटरेशन के ऊपर एक का क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं. और जो हमारे पास आंसर डिपेंड कर रहा है वो आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट के ऊपर. मींस आपने एक तो हर स्टेप के ऊपर इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करके फिर आपने क्या करना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसका आंसर भी आपने साथ साथ शो करना है. तो हम क्या करेंगे यहां पर, ये हम मूव करते हैं एल्गोरिथम के ऊपर जी. स्टार्ट वन, स्टार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमने क्या करना है यहां पर, हम यहाँ पे एक नंबर लेंगे कि हमारे पास हमारा नंबर क्या है, लेट्स को जैसे हमने पीछे 7 लिया था. फिर ऑब्वियसली आपने हर स्टेप के ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन का भी हमने आंसर कहीं ना कहीं स्टोर करना है. उसके हमने क्या किया, एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हर दफा मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर जो है वो अपडेट होता रहेगा. थर्ड में चीज मैंने यहाँ पे एक और लिया, एक और वेरिएबल लिया, के इज इक्वल टू 1. मैंने यहाँ पे के का वेरिएबल लिया जिसको मैंने इक्वल टू 1 किया है. ये काउंट करेगा कि आपने कितनी दफा मल्टीप्लाई कर लिया है. जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हम अगर 2 का टेबल कहा जाए तो हम उसकी 10 तक सुनाते हैं. तो ये जो के है ये हमारे पास बेसिकली एक काउंटर है. ये काउंट करेगा कि आपने कहां तक टेबल जनरेट कर लिया, 5 तक कर लिया, 6 तक कर लिया, 7 तक कर लिया, कितने टाइम्स आप उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर चुके हैं. 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8. मीन्स यहां पर हमने ये चेक किया, हमारे पास ये जो सेंट्रल कॉलम है ये 1 2 3 4 एक्सेट्रा. तो ये हमारे पास क्या, इसके लिए एक काउंटर है, ये काउंट कर रहा है कि आप कितनी दफा मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है ये वाली, इसके अंदर जो के है ये हमारे पास बेसिकली एक काउंटर वेरिएबल है. ये काउंट करेगा कि आपने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया है जी. आपने उसके बाद क्या करना है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है. प्रॉड इज इक्वल टू नम इनटू के, हम यही काम कर रहे हैं, हम नंबर को काउंटर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर प्रोडक्ट में सेव करवा रहे हैं. जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपने क्या करवाना है, आपने वहीं पे उसकी आउटपुट शो करवा देनी है, क्योंकि हमने पहली लाइन को मल्टीप्लाई किया, हमने उसको वहीं पे क्या कर दिया है, आउटपुट कर दिया है, ठीक है जी. स्टेप 4 में क्या करना है, हमने कंडीशन चेक करनी है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको कहूंगा 2 का टेबल सुनाएं तो आप मुझे 10 तक सुनाओगे. तो आप जब सुना रहे हो तो आप चेक करोगे कहीं मैं 10 से आगे एक्सीड तो नहीं कर गया. तो यही चीज मैं यहां पर चेक कर रहा हूं. आप यहां पर कंडीशन में जाकर चेक करोगे, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट जो है वो नहीं किया, एक स्टेप हमारे पास रह गया है. जी तो मैंने यहाँ पे ये इंक्रीमेंट का भी टैब डाल दिया. आप आउटपुट शो करोगे, आउटपुट शो करने के बाद आपने क्या करना है, काउंटर को इंक्रीमेंट करना है. इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, काउंटर के अंदर आपने 1 ऐड कर देना. जैसे हमारे पास वहां पे 1 आ रहा था तो फर्स्ट टाइम 1 था, के इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू के इज इक्वल टू 1 है. तो जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो 1+1 के की प्रीवियस वैल्यू के अंदर 1 आपने ऐड करना है. तो जो हमारे पास के की न्यू वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. अब आपने चेक करना है कंडीशन के, कहीं आप 10 से आगे एक्सीड तो नहीं कर रहे. अगर आपने अपना टेबल 10 तक जनरेट करना है तो मैंने यहाँ पे कंडीशन 10 दी है. तो ये कंडीशन हमारे पास क्या चेक कर रही है, इफ के इज लेस देन आर इक्वल टू 11. तो मैं यहाँ पे 11 तक मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ. मीन्स अगर मैं आपको कहूँ 2 का टेबल सुनाए तो आप मुझे 11 तक सुनाएंगे. इसका मतलब ये है, इफ के इज लेस देन आर इक्वल टू 11 देन, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर हमारे पास ये ग्रीन कलर में मैंने देन लिखा है, तो ये स्टेटमेंट रन होगी.
कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप टू, वापस आप स्टेप टू के ऊपर आ जाओगे, दोबारा वही काम करोगे, आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर आप आउटपुट शो करोगे, और फिर आप दोबारा क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। तो अब हमारे पास इंक्रीमेंट में क्या आएगा, के प्लस प्लस हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास आंसर क्या था, टू था। दोबारा आप कंडीशन चेक करोगे, और जब कंडीशन जो है वो थ्री जो है वो अलेवन से अभी स्मॉलर है, कंडीशन टू हुई, वापस आप स्टेप टू पे जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, आउटपुट शो करोगे, दोबारा इंक्रीमेंट करोगे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। कंडीशन चेक करो, फोर इज लेस देन आर इक्वल टू इलेवन, कंडीशन ट्रू हुई, वापस आप जाओगे, सो ऑन, आप चलते जाओगे चलते जाओगे, और एक टाइम आएगा कि आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वेल्व आ जाएगी, के प्लस प्लस ट्वेल्व। स्टेप फाइव पे आओगे, कंडीशन चेक करोगे, ट्वेल्व इज स्मॉलर देन और इक्वल टू इलेवन, तो क्या हमारे पास ट्वेल्व जो है वो इलेवन के इक्वल टू है या स्मॉलर है, तो हमारे पास ना तो ये स्मॉलर है इलेवन से और ना ही ये इलेवन के इक्वल है, तो स्टेप फाइव जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो हमारे पास देन की स्टेटमेंट जो है वो रन नहीं होगी, कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो मूव करेगा। जब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेप सिक्स हमारे पास आ रहा है, स्टॉप, आपका टेबल जो है वो कंप्लीट जनरेट हो चुका है, और यहाँ पे एकदम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 13, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है आपको जो नंबर दिया जाएगा आपने उस नंबर को अपने प्रीवियस तमाम एडजेसेंट नंबर के साथ वन बाय वन मल्टीप्लाई करना है टिल वन, वन तक। लेट्स सपोज आपको आ जाए कि थ्री का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल ऑफ थ्री मीन्स थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन, आप वन तक उसको मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स हम मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हैं इसके अंदर और हम साथ साथ डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं। प्लानिंग क्या आएगी, इनपुट में क्या चाहिए, वी जस्ट नीड वन नंबर, एंड इन आउटपुट वी हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ दैट गिवन नंबर। प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साथ साथ हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट भी करेंगे। ठीक है जी, आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप डिपेंड करता है कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस लिहाज से। जी एक्सप्लेनेशन में आए, हमारे पास जो फैक्टोरियल का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू मैथ्स एंड नॉट, नॉट इज द, हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, नॉट का एक सिंबल यूज हो रहा है, उल्टा आई जिसे आप बोलते हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूज किया गया है, एन साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी से बोलते हैं, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू वन आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ फोर, तो फोर साइन एक्सक्लेमेटरी मीन्स फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू 24। आपने उस गिवन डिजिट को उसके तमाम प्रीवियस एडजेसेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है टिल वन तक। अनदर एग्जांपल, सिक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू 720। आपने उस नंबर को उसके प्रीवियस तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और डिक्रीमेंट भी करते जाना है। जी हमारे पास सिक्स का फैक्टोरियल क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पे वन बाय वन लिखा है, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू 720। ऑब्वियसली आप पहले छः लिखोगे, फिर आप मल्टीप्लाई फाइव करोगे, सिक्स और फाइव को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर करते जाएं, इज इक्वल टू प्रेस करेगा, जो आंसर आएगा उसको फिर आप फोर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इज इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको आप थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू का आंसर प्रेस करें, एंड सो ऑन। तो आप क्या करें, वन बाय वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आप लोग अपने पास कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें, या अगर आप लोग जबानी भी कर सकते हैं तो आई थिंक मैंने आधे से ज्यादा सॉल्व किए हुए, आपने सिर्फ कंसंट्रेशन करनी है कि कहाँ तक सॉल्व हुए आपके पास, उससे आगे आपने कहाँ से आगे आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द एल्गोरिथम। एज यूजुअल स्टेप वन स्टार्ट, इसके अंदर अब हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, पहला वेरिएबल जिसमें आप यूजर से नंबर लोगे, तो हमारे मैंने उसके लिए वेरिएबल कौन सा स्पेसिफाई किया है, मैंने उसके लिए वेरिएबल का नाम रखा है num, num, और दूसरा वेरिएबल जिसके अंदर ऑब्वियसली आप हर दफा प्रोडक्ट को क्या करते जाओगे, सेव करते जाओगे, फैक्ट इज इक्वल टू वन यहाँ पे मैंने कर दिया है। स्टेप टू में क्या हो रहा है, हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, हम फैक्ट की वैल्यू क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट
इंटू नम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑब्वियसली आप इज इक्वल टू 5 लिखोगे। तो 5 को अगर आप इस यहाँ इस लिहाज से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, फैक्ट की वैल्यू 1, नम की वैल्यू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्ट की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, प्रीवियस वैल्यू 1 थी, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम डिक्रीमेंट करेंगे नम इज इक्वल टू नम माइनस 1। तो हमारे पास नम मैंने क्या बताया था, 5 बताया था, तो यहाँ पे जब आप डिक्रीमेंट करोगे तो 5 में से 1 माइनस के आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है जी। जब डिक्रीमेंट करेंगे तो डिक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा, हमने कंडीशन में चेक करना है कहीं हम डिक्रीमेंट करते करते 0 तक तो नहीं पहुंच गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ नम इज ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास नम जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा इफ नम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, वो भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। इसका भी मतलब है कि नम जो है उसकी लास्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 तो उसका भी मतलब ये है कि आखिरी वैल्यू क्या है, 1 होनी चाहिए। अगर ये नम जो है 0 से बड़ा है देन गो टू स्टेप 2, तो नम की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 5 में से 1 माइनस टू पीछे 4 आ गया, 4 आया तो हमारे पास स्टेटमेंट 2 ही, कंट्रोल वापस जाएगा स्टेप 2 के ऊपर, स्टेप 2 पे जाकर दोबारा मल्टीप्लाई करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इन टू नम। तो फैक्ट की हमारे पास वैल्यू 5 थी, नम की वैल्यू क्या आई, 4 आई, 5 इंटू 4 आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो फैक्ट की न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है जी। डिक्रीमेंट करेंगे नम जो है उसके, अब लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 थी, 4 में से 1 माइनस किया, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। कंडीशन में चेक करें 3 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई, गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 पे वापस आएंगे, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैक्ट की हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी 20 थी, 20 मल्टीप्लाई बाय नम की वैल्यू जो प्रीवियस लेटेस्ट है वो क्या है, 3 है, तो 20 इंटू 3 आंसर क्या आ जाएगा, 60। तो फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। दोबारा आएंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे हम नम को दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास 3 में से 2 माइनस हुआ आंसर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हुआ आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है जी। कंडीशन में चेक करें 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स फाइन, हमारे पास कंडीशन 2 है। वापस जाएंगे जी, हमारे पास लास्ट वैल्यू फैक्ट की क्या थी जी, 60 थी, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आंसर आ गया, 120, ठीक है जी, 120 हमारे पास फैक्ट की न्यू वैल्यू आ गई। डिक्रीमेंट में आए जी, नम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन 2 हुई। वापस जाएं, दोबारा मल्टीप्लाई करें, 120 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, आंसर दोबारा 120 ही आएगा। दोबारा डिक्रीमेंट किया तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, नम की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे कंडीशन चेक करें, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो इट्स नॉट, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, रॉन्ग होगी। तो आपके पास जो है ये देन की स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होगी, बल्कि जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आउटपुट शो करवा रहे हैं, और आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, फैक्ट, क्योंकि हमारे पास हमारा जो आंसर है वो किसके अंदर सेव हो रहा था, फैक्ट के अंदर जो है मल्टीप्लीकेशन हमारी पे क्या होती जा रही थी, सेव हो रही थी। तो यहाँ पे हम आउटपुट करेंगे फैक्ट की वैल्यू, और साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, हमारे पास आ गया असाइनमेंट, आप लोगों ने क्या काम करना है, एक्सरसाइज में, बुक की एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, तो आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 6 इज राइट एन एल्गोरिदम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड प्रिंट द मैसेज फेल आर पास। आपने यूजर एक अग्रीमेंट लिखा है जिसमें आपने यूजर से उसके नंबर पूछने हैं, वो आपको जब नंबर एंटर करेगा तो आपने कंसिडर करने हैं 100 मार्क्स टोटल, ठीक है जी। तो जब वो मार्क्स एंटर करेगा तो आप उसको बताना है कि क्या वो पास है या नहीं, और पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया 33, अगर उसके 33 मार्क्स हैं या इससे अबव हैं तो वो पास है, अगर इससे बिलो है तो फिर वो फेल है। सेकेंड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव टू राइट एन एल्गोरिथम दैट फाइंड्स द सम ऑफ गिवन सीक्वेंस। जी, ये नीचे सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है 20 से और सीक्वेंस एंड हो रहा है 60 के ऊपर, और इसमें जो है हर दफा डिफरेंस जो है वो टू एडजस्टमेंट वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो है 5 का, 20 प्लस 2 5 25 प्लस 5 30 प्लस 5 35 प्लस 5 40 प्लस 5 45 प्लस 5 50 एंड सो ऑन। तो आपने इस गिवन सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ रहा है, एक एल्गोरिथम फाइंड करें जिसमें आपने गिवन सीरीज की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास 1 3 5 7 9 आई डू बिलीव ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, ये हमारे पास
ऑड नंबर्स हैं, हमने शायद ये क्वेश्चन किया हुआ है लेकिन उसमें हम प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम उसमें सम फाइंड कर रहे हैं। तो आपने उस क्वेश्चन को भी एनालाइज कर लेना है और कोशिश करनी कि आप इसको भी सॉल्व कर लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, राइट एंड एल्गोरिथम टू प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। आपने यूजर से वैल्यू लेनी है और आपने उसका टेबल जनरेट करना है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। मीन्स अगर मैं आपको कहता हूँ मुझे 2 का टेबल सुनाए तो आप सुनाने 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 एंड सो ऑन 1 तक, ठीक है। आपने रिवर्स ऑर्डर के अंदर टेबल को जनरेट करवाया। हमने अभी क्वेश्चन जो किया था उसके अंदर हमने असेंडिंग ऑर्डर में आपने टेबल जनरेट किया था, ठीक है। लेकिन ये एल्गोरिथम जिसमें वो क्या कह रहा है, रिवर्स ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप लोगों ने टेबल जनरेट करवाना है। दैट वाज ऑल, ये हमारा आज का लेक्चर था। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोज अपडेट्स। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम।